देश में फैली कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते जहां लॉकडाउन घोषित किया गया, तो वहीं लॉकडाउन से रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों को अब खाने आदि चीजों की समस्याएं होती जा रही हैं। तो वहीं कई संस्थानों ने आगे आकर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों के लिए खाना उपलब्ध कराया है। ऐसी एक संस्था माँ भगवती इच्छा पूर्ति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गरीबों और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों के लिए खाना उपलब्ध करा रही। ट्रस्ट के अध्यक्ष राम नरेश ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, इसलिए पिछले कई दिनों से घर घर जाकर भूखे लोगों के लिए माँ भगवती इच्छा पूर्ति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट भोजन आदि की व्यवस्था करके लोगों तक पहुँचा रही है। वहीं रविवार को भी बर्रा, गुजैनी, किदवई नगर, बारा देवी, जूही आदि जगहों पर गरीबों को भोजन दिया गया। इस दौरान कोषाध्यक्ष मंजू देवी, सुजीत सिंह चौहान, अतुल मिश्रा, अमित अभिषेक, राजेंद्र प्रधान, सतीश शुक्ला, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर एस एन सिंह, राजकुमार गुप्ता, अजय चौरसिया, महेश सिंह राठौर, संजय लाला, भानु यादव, मनोज भदौरिया, संतोष सिंह, संत नारायण गुप्ता, हरविंदर सिंह छोटू, मनीष मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। क्या करा जा रहा है? सबसे पहले मैं जय माता दी बोल रहा हूँ। मेरा नाम है राम नरेश, ट्रस्ट अध्यक्ष माँ भगवती इच्छा पूर्ति चैरिटेबल मंदिर छोटा मंगलपुर गंगा बैराज कानपुर नगर के द्वारा गरीब असहाय व मजदूर लोगों को घर घर जा कर के भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। इसलिए भोजन व्यवस्था करा रहे हैं कोरोना महामारी के उद्देश्य न कम। कितने दिनों से भोजन व्यवस्था आपके द्वारा कराई? पिछले कई दिनों से भोजन गरीब व असहाय लोगों को घर घर जाके हम 1000 से 1200 लोगों को व्यवस्था करा रहे हैं। ग्राम में ये कब तक चलता रहेगा? ये हमारा 14 अप्रैल तक, जब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेशानुसार जब तक चल रहा है तब तक हम कराएंगे। ग्राम में